नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर गोंडा से है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के साथ उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका अनावरण किया। साथ ही उनकी याद में लिखी गई पुस्तक अमर स्मृति कोष का विमोचन भी किया। जनता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंच से स्वर्गीय पंडित सिंह को जन जन का नेता बताया। कहा कि गोंडा के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय पंडित सिंह आज हम सभी के बीच नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार को आप लोग उसी तरह से प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, सीएम योगी टिकट की मांग कर रहे हैं, उन्हें कोई टिकट नहीं दे रहा है। सीएम योगी के पास भाजपा की सदस्यता नहीं है। सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। वहीं कोरोना महामारी पर बोले अखिलेश, कहा किसी भी सरकार ने नहीं की मदद, समाजवादियों ने पैदल घर जा रहे लोगों की मदद की। दवाई, इलाज और व्यवस्था में लापरवाही के चलते मौतें हुई हैं। ऑक्सीजन होता तो नहीं होती इतनी मौतें, मरने वालों की गिनती भी नहीं बता रहे। सरकार झूठे विज्ञापन जारी कर रही है। भाजपा सरकार सरकारी पैसे से लाल टोपी पहनकर आ रहे लोग अब आखिरी समय पर शिलान्यास करा रही है। सरकार जो शिलान्यास करते हैं वो सिर्फ शिलान्यास ही करते रह जाएंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के प्रदेश में खाद की उपेक्षा हो रही है, बीज और दवा उपलब्ध नहीं करवा पा रही है सरकार। यह सरकार जाने वाली है, सरकार घबराकर बिजली दरें कम कर रही है। वहीं साक्षी महाराज के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है और उसके लोग भी झूठे हैं। साक्षी महाराज भाजपा के हैं, वे उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। पीएम को जाने दिया जाना चाहिए था, खाली कुर्सियां मिलती तो भ्रम टूट जाता। वहीं अखिलेश यादव ने मंच से भाजपा की नीतियों पर जमकर हमला बोला। कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगी, किसानों को बिजली माफ़ करेंगे। वह सरकार गोंडा में बनेगी तो मेडिकल कॉलेज होगा, फ्री इलाज। मंच से अखिलेश ने घोषणा की झड़ी लगाई, किसानों के गन्ना बकाए का भुगतान नहीं हुआ। आज मैंने विज्ञापन देखा पूरे पेज का, हर बात झूठी है। कह रहे 59 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, ये कहीं और से बात ला रहे हो आप। हमारी और जैन चौधरी जी की और जितने भी हमारे साथ गठबंधन दल हैं उनके साथ सीटों का एडजस्टमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको भी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, आप में दंगा करने वाले सरकार में बैठ गए तो दंगे कहाँ से होंगे, सवाल ये। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी और लोगों को न्याय मिलेगा। और जो दंगे की बात कह रहे हैं, NCERT का डेटा कह रहे हैं, तो कम से कम पत्रकार साथियों भारतीय जन विश्वास रैली नहीं निकालनी चाहिए कोरोना को देख करके और ठोकर राज चला करके। इन्हें जन माफी रैली निकालनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए कोरोना के लिए कि ये उनको दवाई इलाज और नहीं करा पाए। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके झूठा प्रचार किया है। ऐसे दंगाइयों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या ऐसा अगर है तो इस बार 100% समाजवादी पार्टी जीती। उन्होंने उनकी मूर्ति लगा दी, आज बीजेपी ने भी मूर्ति लगा दी। इसी तरीके से रथ न चल जाए, समाजवादी पार्टी का एक विजय रथ चला, भारतीय जनता पार्टी के 6 चौमी रथ निकली। आपने नहीं देखा, एक रथ भारी है 6 रथों में, और रथ को अगर दूर से देखोगे तो वो चौमी का रथ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने भरे मन से यह कह दिया कि अयोध्या और काशी और इसके बाद मथुरा छोटा कैसे रह सकता है, तो मैं सवाल ये पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री टिकट मांग रहे कभी इस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा, उन्हें कोई टिकट नहीं दे रहा। लेकिन सर जैसे हिंदुत्व की राजनीति 2000, अरे आप जानते नहीं हो, आपको मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी टिकट मांग रहे हैं कभी इस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा से, कभी उस विधानसभा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है,
पूरे भारतीय जनता पार्टी के दुखी हैं उनसे, जितने भी सीनियर नेता हैं वो सब दुखी हैं उनसे। तो वो कह रहे हैं खून पसीना बात करके अपने पार्टी बनाई, ये जाने कहाँ से आए और बैठ गए आगे। आप क्या चाहते हो, कहाँ से लड़े चुनाव? आप क्या चाहते हो, चुनाव कहाँ से लड़े? हम क्यों बताएं, वो टिकट मांग रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ मुख्यमंत्री के, देखो कितने कमजोर मुख्यमंत्री हैं, तो जो टिकट मांग रहे हैं उनके सामने लड़ेंगे। अब बहुत जल्दी बता देंगे लड़ेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी। आप टिकट देंगे? हमारी पार्टी तय करेगी कि मैं चुनाव लड़ाऊं कि चुनाव लड़ू, या चुनाव लड़के ही लड़ाऊं, पार्टी तय करेगी। अगर जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि फर्क साफ है, आपको क्या अपनी सरकार में और भाजपा सरकार में कुछ फर्क नजर आ रहा है? 100 नंबर का 112 कर दिया, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने जिला अस्पताल गोंडा बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाने के जा रहे हैं, फर्क साफ है। समाजवादियों ने लैपटॉप दिए, ये टैबलेट दे रहे हैं, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने 4 लेन रोड बनाई, उसके डिवाइडर पर सांड बैठा दिए, फर्क साफ है। आप महंगाई और विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं और बीजेपी के हिंदुओं का आर्टिया कैसे हैं? अरे हम सब हिंदू हैं, किसने बना के क्या बोल रहे हो? लेकिन सर इस तरह बीजेपी लगातार हिंदुओं की राजनीति कर रही है, आप सेक्युलर नेता हैं, ऐसा इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। बीजेपी जो है वो महंगाई पे बात नहीं करना चाहती। मुझे याद है यहीं पर कहीं पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज पे बैठाएंगे। वो हवाई जहाज बिक गया जिसमें बैठाना था उन्हें, जिस हवाई अड्डे पे वो हवाई जहाज उतरता वो हवाई अड्डा बिक गया। तो सर जनता महंगाई और विकास के मुद्दे, इसलिए जनता महंगाई पर लोगों को, जो भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनेगा वो ऐसा मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार बनाएगी जिससे आपको लखनऊ के बराबर इलाज यहाँ पर मिलेगा। जो सड़कें बनाई 4 लेन बननी चाहिए, ये सरकार बताए कि जिला हेडक्वार्टर को जोड़ने वाली कितनी 4 लेन सड़क बनाई। मुझे याद है लखनऊ से नागपारा वाली सड़क में 4 लेन बनाना चाहता था, उस समय की सरकार ने बनाने नहीं दिया, कहा कि 4 लेन नहीं बन सकती है, और उसी समय फैसला लिया कि 4 लेन बनेगी और बहराइच से श्रावस्ती आप जानते हो कि 4 लेन सड़क बनाई, ये भी आपकी जरवल वाली रोड 4 लेन बनाई। अब 4 लेन रोड बन गई जहाँ डिवाइडर में पेड़ लगने थे, पौधे लगने थे, फूल लगने थे, वहां बताइए सांड बैठ गए। जो सरकार सांड ना हटा पाए उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए ये सरकार जाने वाली है, जब से समाजवादी पार्टी ने पहला संकल्प पत्र लिया है, जो पहला संकल्प लिया नए साल में गरीबों को और सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, उसी दिन सरकार घबरा गई। अब सुनने में आया कि उन्होंने भी बिजली की दरें कम करना शुरू किया है, किसानों के सिंचाई के लिए आधा कर दिया, समाजवादी लोग फ्री देना चाहते हैं, ये आधा देना चाहते हैं। अब जनता तय करेगी कि पूरा का पूरा बिजली का सिंचाई का फ्री किसान चाहता है कि आधा रेट देना चाहता है। सर ओवैसी ने कहा है कि मेरे सपने में गरीब मुसलमान आते हैं और जो कहते हैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। बहुत जवाब नहीं देना चाहिए इस सवाल का, लेकिन आने वाले समय में गरीब किसान मजदूर ने फैसला लिया, मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाएगी। ये तमाम लोग जो सपने या इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। देखिए मैं उस पर बहुत कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो कम से कम किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अकेले मंच पे बोलने तो देते हैं। अखिलेश जी अवध क्षेत्र को भाजपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर आप प्रोफेसर साहब को लेकर आए हैं। क्या चीज अवध क्षेत्र को भाजपा का